हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। फ्रेंड्स, आज हम इकाई नंबर 12 दुमदुमा गांव के बच्चे नामक इकाई का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, इस इकाई का साहित्य प्रकार है कहानी। फ्रेंड्स, इस इकाई में दुमदुमा गांव में कौन सी समस्या है और उस समस्या को हल करने के लिए गांव के बच्चे क्या क्या प्रयत्न करते हैं, ऐसे क्या कार्य करते हैं और उनकी वजह से किस प्रकार इस तंगी यानी कि इस समस्या का हल निकलता है, इस प्रश्न को किस प्रकार वो सुलझाते हैं, उसके विषय में हम इस इकाई में सीखेंगे। दोस्तों, जल ही जीवन है। पहले के समय में पानी नहीं मिलता था, यानी कि पानी की तंगी रहती थी। लोग पानी के बिना अपना गुजारा करते थे, मगर आज हम ऐसे युग में हैं कि हमारे घर में पानी है, मगर पानी का हम अपव्यय करते हैं। हमें पानी का कभी भी अपव्यय नहीं करना चाहिए। हम पानी को सही तरह से, सही ढंग से जहाँ जरूरत है वहीं पे उपयोग में ले, क्योंकि पानी का अपव्यय करने से हमें ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि पानी के बिना हम कभी जिंदा नहीं रहेंगे। इसीलिए पानी का व्यय नहीं करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए। इकाई नंबर 12, दुमदुमा गांव के बच्चे। फ्रेंड्स, गांव का नाम क्या है? दुमदुमा। तो दुमदुमा गांव के बच्चे कैसे हैं, उसके विषय में इस इकाई में हम अभ्यास करने वाले हैं। तो बच्चों में अपार क्षमता होती है, वे जो चाहे कर सकते हैं। उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है, मगर उनके अंदर स्वयं कुछ करे ऐसी लगन पैदा करना बहुत ही जरूरी है। प्रस्तुत कहानी में दुमदुमा गांव के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं, उसका निरूपण किया गया है। दुमदुमा गांव के लोग किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं और उस परेशानी को दूर करने के लिए उस गांव के बच्चे कैसे कदम उठाते हैं, उसका यहाँ पे सुंदर वर्णन किया गया है। तो बच्चे, इस कहानी से प्रेरक होकर कक्षा, विद्यालय और गांव की समस्या का हल ढूंढने में जागरूक होंगे और कार्य भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इकाई सीखने की शुरुआत करते हैं। यह दुमदुमा गांव है। गांव का नाम क्या है? तो दुमदुमा गांव। यहां हमेशा पानी की कमी रहती थी। दुमदुमा गांव में किसकी कमी रहती थी? तो उत्तर आएगा, पानी की कमी रहती थी। पानी की कमी होने के कारण खेत सूख जाते थे, लोग परेशान रहते, पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे। उपाय यानी कि कोई भी उसका हल नहीं कर पाता था। बच्चे पानी में खेलना चाहते, तैरना चाहते, पर कहाँ। बच्चे क्या करना चाहते थे पानी में? तो तैरना चाहते थे, खेलना चाहते थे, मगर पानी ही नहीं था तो वे कहाँ पे खेलते और तैरते। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। एक दिन सभी गांव के बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा होते हैं। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। उन्होंने किसकी कमी दूर करने की सोची? पानी की कमी। कमी यानी अभाव, घाटा। तो दुमदुमा गांव में पानी की कमी थी और उसको दूर करने के लिए बच्चे कुछ न कुछ उपाय सोचते हैं। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो। बिल्लू बोला। बिल्लू क्या बोला? कि मैं रोज बादलों से प्रार्थना यानी कि विनंती करूंगा, उपासना करूंगा। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? महिमा बोली कि बिल्लू, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? तब फिर क्या हो, सब सोचने लगे, क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। रजिया बोली। रजिया क्या बोली?
कि क्यों न एक बड़ा सा हम क्या खोदे, गड्ढा यानी कि गर्त, खड्डा એટલે કે ખાડો, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો ખાડો. હા હા, યહી ઠીક હૈ, સારે બચ્ચે બોલે. સારે બચ્ચે રજિયા કી બાત મેં સહમત હુએ ઓર સભી કહેને લગે કે હા ઠીક હૈ, ચલીએ સબસે પહેલે એક બડા સા ગદ્દા ખોદ લે. ફિર બચ્ચે લાએ ફાવડે, કહાડી, કુડાલે ઓર તસલે. યે સારે સાધન હૈ, તસલા યાની કી કટોરે કે જૈસા આકાર વાલા બડા પાત્ર. ફાવડે યાની કી પાવડા, કુડાલે એટલે કોડાળી, ઓર તસલે યાની તગાડે, વે જમીન ખોદતે રહે, મિટ્ટી ધોતે રહે. મિટ્ટી ધોના યાની કી ઉઠા કર લે જાના, જો ગદ્દા ખોદ રહે થે ઉસમે થે ક્યા નિકલ રહી થી મિટ્ટી, તો ઉસકો ઉઠા કર દૂસરી જગહ લે જા રહે થે અન્ય બચ્ચે, ઓર વે મિટ્ટી કો બહાર ફેંકતે રહે. ફ્રેન્ડ્સ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे बच्चों के हाथ में साधन है, जैसे कि फावड़े, तसले, कहाड़ी, कोडाली. तो ये आप देख सकते हो, कहाड़ी देख सकते हो, देखो कैसे वो लोग मिट्टी को निकाल कर फेंक रहे हैं, तो यहाँ वो गड्ढा खोदने वाले हैं. डियर फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ देख सकते हो कि डुमडुमा गांव में पानी नहीं है और पानी को लाने के लिए बच्चे कैसी युक्ति कर रहे हैं. તો મિત્રો, હમારે યહાં તો પાણી હૈ, પાણી હમારા જીવન હૈ, ઓર હમ પાણી કા અપવ્યય યાની કી દુરુપયોગ હમ કરતે હૈ, તો વો હમે નહીં કરના ચાહીએ. તો આપ મે સે, વૈસે તો હમ સભી પાણી કા અપવ્યય કરતે હી હૈ, થોડા થોડા હી કરતે હૈ, મગર કરતે હૈ, મગર ફિર ભી હમે ઉસ બાત કા ધ્યાન રખના ચાહીએ કે હમે પાણી કા અપવ્યય નહીં કરના ચાહીએ, પાણી કો બચાએ રખના ચાહીએ. તો પાણી કા અપવ્યય કૈસે હોતા હૈ, તો સબસે પહેલે પીને કે પાણી સે હાથ પેર ધોતે હૈ હમ લોગ, દૂસરા તો નલ ચાલુ રખ કર ઇધર ઉધર ચલે જાતે હૈ, યાની કે સબ પાણી નીચે ગિર રહા હોતા હૈ. તો પીને યોગ્ય પાણી સે હમ જીપ, ટ્રેક્ટર, ગાડી, મોટરસાઇકલ સબ આદિ વાહન ધોતે હૈ, ઓર ટપકતે નલ કો બદલતે નહીં હૈ, ટપકતા હી રહેતા હૈ, ઉસમે સે કઈ સારા પાણી એસે હી વેસ્ટ હો જાતા હૈ. તો હમે ઇસ પ્રકાર પાણી કા અપવ્યય નહીં કરના ચાહીએ. ફ્રેન્ડ્સ, જિન લોગો કે પાસ પાણી નહીં હોતા હૈ, વે કિતની કઠિનાઈઓ સે પાણી પ્રાપ્ત કરતે હૈ, મગર હમારે ઘર મે તો એસે હી પાણી આતા હૈ, ઇસકી વજહ સે હમે ઉસકી કદ્ર નહીં હૈ. તો હમે પાણી કા અપવ્યય નહીં કરના ચાહીએ, પાણી કો બચાના ચાહીએ, ક્યોંકી જલ હી હમારા જીવન હૈ ઓર જલ કે વિના હમ જિંદા નહીં રહ સકતે હૈ, ઇસીલિયે પાણી કા અપવ્યય કરના હમે રોકના ચાહીએ. દેખીએ, યહાં દુમદુમા ગાંવ મે પાણી નહીં હૈ, તો લોગ કૈસે પાણી કો પ્રાપ્ત કરને કે લિયે ઉપાય કર રહે હૈ, આપ દેખ રહે હો ના. તો ઉન્હોને ક્યા કિયા કી સાધનો કે માધ્યમ સે ગડ્ઢા ખોદ રહે થે, और बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा. गांव वालों ने देखा कि बच्चे सब काम कर रहे हैं, वे भी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए. जुटना यानी कि सब उस काम में मदद करने लगे, इकट्ठे हो गए. इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब, एक बड़ा सा तालाब उन्होंने तैयार कर दिया. बरसात में उस तालाब में पानी भरा. जब बारिश की मौसम आई तो आप चित्र में देख सकते हो कि किस प्रकार वहाँ तालाब में पानी भर गया. पानी से खेतों की सिंचाई हुई. बारिश का पानी आया और उस पानी से क्या हुआ, तो खेतों की सिंचाई हुई और खेतों में मक्का और धान लहलहाए. खेतों में क्या लहलहाए, तो मक्का और धान यानी कि मकाई, मक्का यानी मकाई, और धान यानी डांगर खेतर में लहराया. लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए. बच्चे बड़े ही खुश हो गए क्योंकि उनकी इच्छा पूरी हो गई. उनकी इच्छा थी ना कि वो पानी में तैरे, खेले, तो वो लोग बड़े ही खुश हुए और पानी में छपाछप करके नहाने लगे. तो इस प्रकार दुमदुमा गांव की जो पानी की समस्या थी वो इन बच्चों ने सुलझा दी. फ्रेंड्स, यह इकाई बड़ी ही छोटी है मगर बड़ी ही रोचक है कि डुमडुमा गांव में जो समस्या थी पानी की कमी की, तो वो समस्या किस प्रकार इन बच्चों ने सुलझाई है. इसीलिए इकाई का नाम क्या है, डुमडुमा गांव के बच्चे.
तो यहाँ पे इकाई समाप्त होती है और आप लोगों को पूर्ण समझ में आ गया होगा ये जो पाठ है उसका अर्थ कि क्या हमें करना चाहिए, पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। और जैसे बच्चों ने ये युक्ति की उसी प्रकार आपको भी कुछ ऐसी कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इकाई में आने वाले शब्दार्थ के बारे में अब हम माहिती प्राप्त करेंगे। प्रार्थना, उपासना, विनती, पानी, जल, नीर, वाणी, कमी, अभाव, परेशान, दुखी, व्याकुल, उपाय, युक्ति, तरकीब, बारिश, वर्षा, बरसात, धान, अन्न और यहाँ पे चावल। अभाव, नए